हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल हिस्ट्री पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो कक्षा 9 है उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली जो एग्जाम है 2022 के लिए, जो आपका दिसंबर में होने वाला है, तो उसमें आपके 70% सिलेबस आएगा। यानी कि आपके जो टोटल लेसन है, टोटल एक्सरसाइज है, टोटल पार्ट जो है उनका 70% आएगा। तो यहाँ पर हम आपको पार्ट सहित ही बताएंगे कि कौन सा पार्ट आएगा और कितने पार्ट आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो कक्षा 9 मैथ में देखिए, आपके कुल प्रश्नावली 15 प्रश्नावलियाँ हैं। अब देखिए, अगर हम 15 का 70% निकालें तो 10.5 आएगा, यानी कि लगभग आपकी 11 प्रश्नावलियाँ जो है इसमें आपके गणित में आने वाली हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति से लेकर प्रश्नावली 11 रचनाएं तक आपकी जो है इसमें क्वेश्चन आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। और ये जो है आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक का। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं साइंस की। तो विज्ञान में देखते हैं, इसमें भी देखिए कुल 15 पार्ट है आपके। तो इसमें भी आपके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, पार्ट 1 है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, इससे लेकर कार्य तथा ऊर्जा, इस तक के आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये पेपर भी आपका 70 मार्क्स का होगा। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, इंग्लिश में आपके क्या क्या आने वाला है, ये भी आपका 70 मार्क्स का होने वाला है पेपर। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो देखिए, आपके फर्स्ट नंबर पर आपके पैसेज आएंगे। ये पैसेज 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपके राइटिंग में देखिए क्या क्या आएगा। एक देखिए आपके लेटर आएगा, लेटर में पर्सनल लेटर आ सकता है जिसमें आप फैमिली या फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, या फॉर्मल लेटर जिसमें आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को या प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को लेटर लिखते हैं, वो आ सकता है। इसके बाद आपके ईमेल भी आ सकती है जो किसी अपने स्कूल के प्रिंसिपल या न्यूज़पेपर के एडिटर को भेजी जाए। इसके बाद देखिए, आपका शॉर्ट पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ आपको लिखना है, 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 1 पैराग्राफ आपको लिखना है। इसके बाद आपके स्टोरी राइटिंग आएगी। तो ये आ गया राइटिंग में। अब बात करते हैं हम कि इंग्लिश ग्रामर में क्या आने वाला है। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में आपके टेंसेज आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगी, डिटरमिनर्स आएंगे और प्रीपोजिशन आएंगे। इसके बाद देखिए, आपके बुक के क्वेश्चन आएंगे। तो बुक के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए, आपके 2 बुक हैं, एक तो बिहाइव और एक मूवमेंट्स। तो देखिए, बिहाइव में आपके टोटल लेसन कितने हैं, 11 हैं। इसमें से देखिए 11, इसका अगर हम 70% निकाल लें तो 7.7, यानी कि लगभग 8 पार्ट जो है आपके इंग्लिश के किसमें से, बिहाइव में से आने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला पार्ट है द फन दे हेड, इससे लेकर 8 यानी कि रीच फॉर द टॉप, यहाँ तक के आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, मूवमेंट्स में टोटल लेसन 10 है, इसका अगर हम 70% निकालें तो लगभग 7 निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका द लॉस्ट चाइल्ड से लेकर द लास्ट लीप, यहाँ तक के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में देखो 70 नंबर का जो है आपका पेपर आएगा। इसमें से देखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले आपको अपठित में देखो क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा अपठित गद्यांश, एक मिलेगा अपठित काव्यांश। अपठित का मतलब क्या है कि ये आपकी किताब से नहीं रहेगा, बाहर से इसको बना के देंगे, जो आपने पढ़ा नहीं हो, हो सकता है आपका पढ़ा भी आ जाए लेकिन उसको अपठित ही बोला जाता है। गद्यांश आएगा और एक काव्यांश आएगा। इसके बाद देखिए, रचना की बात करते हैं। तो रचना में आपके एक निबंध लेखन आएगा और एक आपके पत्र लेखन आएगा, इसमें आपके प्रार्थना पत्र भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं व्याकरण में। तो इसमें देखिए क्या क्या आने वाला है। इसमें एक तो आएगा आपका शब्द निर्माण, जिसमें देखिए क्या होगा, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, विशेषण आएगा, लिंग और वचन आएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम परसर्ग या कारक, इसमें कारक ने का क्रिया पर प्रभाव, ये आपका आएगा व्याकरण में। इसके बाद है वाक्य रचना, सरल और संयुक्त वाक्य, ये दोनों वाक्य आपके इसमें आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द आएंगे और भिन्नार्थक शब्द आएंगे। इसके बाद आपका मुहावरे आएंगे। तो ये सब आपके व्याकरण में आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक में से क्या क्या आएगा। तो देखिए, आपके 2 किताबें हैं, क्षितिज भाग फर्स्ट और कृतिका भाग फर्स्ट। तो क्षितिज भाग फर्स्ट में आपके कुल 17 पार्ट है, तो इसमें लगभग पार्ट 1 से लेकर 12 तक के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं।
और कृतिका बाग फर्स्ट में इसमें से देखिए पार्ट एक से लेकर चार तक आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम संस्कृत की। तो देखिए संस्कृत में आपके फर्स्ट में आएगा आपके अपठित गद्यांश, वही जो अभी हमने बात कर दी किसमें हिंदी में कि अपठित गद्यांश मतलब आपकी किताब से बाहर का रहेगा ये। इसके बाद रचनात्मक कार्य में देखो क्या क्या आएगा, पत्र आएगा, प्रार्थना पत्र आएगा। इसके बाद देखिए वार्तालाप, वार्तालाप में क्या होगा कि आपको वार्तालाप या तो पूरा करना है या वो खाली स्थान करके दे देगा तो आपको उसमें से भरना है। इसके बाद देखिए लघु कथा या चित्र वर्णन, इसमें क्या देगा वो एक कोई भी चित्र दे देगा जैसे पर्यावरण का या कुछ भी, जैसे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं या उद्यान में खेल रहे हैं तो उस पर हमें जो है एक लघु कथा या चित्र का वर्णन करना है कि चित्र में क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए इसमें आएगा पाठ्यपुस्तक के दो श्लोक, यानी कि आपकी किताब के आपको दो श्लोक लिखने हैं जो चार या पाँच नंबर के रहेंगे। इसके बाद देखिए व्याकरण में बात करते हैं कि संस्कृत में व्याकरण में क्या आने वाला है। तो इसमें देखिए एक आपकी संधि आएगी, संधि में आपको केवल दो ही संधि आएंगी, स्वर संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद समास में हम बात करते हैं तो देखिए इसमें तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और समास विग्रह ये सब समास में आने वाले हैं। इसके बाद आपके कारक में, कारक में देखो आपकी विभक्तियाँ आएंगी। इसके बाद आपका प्रत्यय आएगा, धातु रूप आएगा और वाक्यसु शब्द रूपाण प्रयोग यानी कि वाक्य में शब्द रूप के जो प्रयोग है वो आएंगे। इसके बाद संख्यावाचक आएगी यानी कि आपको गणित में जो संख्या दे देंगे उनको संस्कृत में लिखना है। इसके बाद आपके सर्वनाम आएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपके व्याकरण में आने वाली हैं। अब बात करते हैं पठित बोधनम यानी कि किताब से आपकी क्या क्या आने वाला है। तो देखिए एक तो आपकी किताब से एक छोटा सा गद्यांश देगा उसका हिंदी अनुवाद करना है, एक आपका पद्यांश देगा, पद्यांश मतलब जो श्लोक टाइप में लिखे हुए हैं ना उनका हिंदी अनुवाद पूछेगा। इसके बाद देखिए एक गद्यांश देगा जिसकी संस्कृत में आपको व्याख्या करनी है, याद रखना आपको संस्कृत में ही व्याख्या करनी है। इसके बाद कथा क्रम संयोजन, तो यानी कि आपकी किताब से कथा दे देगा जिसके क्रम आगे पीछे कर देगा तो उसको आपको जमाना है। इसके बाद देखिए किताब के पाठों की बात करें तो देखिए आपके कुल पाठ है इसमें 12, इसमें से लगभग आपके जो है 9 पार्ट इसमें आने वाले हैं, यानी कि यहाँ से पार्ट एक भारतीय पसंद गीति से लेकर सिकता सेतु तक आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें देखिए आपके चार किताबें हैं। तो देखिए किताब एक है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, इसमें देखिए आपके कुल पार्ट 5 है तो इसमें से लगभग आपके 4 पार्ट आने वाले हैं। अध्याय एक से फ्रांसीसी क्रांति से लेकर वन्य समाज और उपनिवेशवाद यहाँ तक के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपकी बुक सेकंड है समकालीन भारत, जो भूगोल भी इसका नाम है, इसमें देखिए कुल पार्ट 6 है तो इसमें से लगभग 4 पार्ट आपके आने वाले हैं। भारत आकार और स्थिति से लेकर जलवायु तक के आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपकी बुक 3 लोकतांत्रिक राजनीति या राजनीतिक विज्ञान, इसमें कुल 5 पार्ट है तो इसमें से लगभग 4 पार्ट आपके अर्धवार्षिक में आएंगे। इसके बाद आपकी बुक है अर्थशास्त्र, इसमें कुल 4 पार्ट है तो इसमें से लगभग 1 से 3 पार्ट तक आपके जो है इसमें आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर ली हैं। तो आपका पेपर कितने का 70 मार्क्स का आएगा और जो बचे हैं 30 मार्क्स उसमें देखिए आपके जो टेस्ट होते हैं उनके यहाँ पर जो है मार्क्स आएंगे। तो इसमें इस तरह मिलाकर आपके 100 नंबर रहेंगे और 100 में से अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो कम से कम आपके 36 नंबर जो हैं वो आने चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 36 नंबर जो हैं पासिंग मार्क्स आना चाहिए भाई, तब आप जो हैं पास हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने जो है इसकी लगभग सारी जो आपको सिलेबस है अर्धवार्षिक का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वार्षिक का हमने पहले ही बता दिया है, तो बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर अर्धवार्षिक का भी बताओ पार्ट वाइज कि कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं। तो लगभग हमने ये सभी विषयों के जो है आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।